क्या आप और आपके दोस्त ने सेम पॉपुलैरिटी बढ़ाया लेकिन आपको कम पॉइंट्स मिला? क्या आप अपने दोस्तों से 10,000, 20,000, 30,000 पॉपुलैरिटी ज्यादा किए हुए हो लेकिन जो आपको पॉइंट्स मिल रहे वो आपके दोस्तों के मुकाबले कम मिल रहे हैं? और क्या आपके दोस्त लोग 1.5-2 लाख पॉपुलैरिटी लेके PK5, PK6 चले गए हैं लेकिन तुमसे 4 लाख, 5 लाख पॉपुलैरिटी लेने के बावजूद PK5, PK6 नहीं हो पा रहा है? ऐसे सिचुएशन में तुमको बस एक चीज जानने का जरूरत है, वो है पॉइंट सिस्टम। तुमको ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम कितना पॉपुलैरिटी बढ़ाओगे तो तुमको कितना पॉइंट मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं तुम सबको इसी चीज के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसको कि अगर आप यूज करोगे तो आप गारंटेड PK5 या PK6 जा सकते हो, वो भी बिना एक UC लगाए। मैं पर्सनली ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को खुद यूज किया हूं और ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके मैं 2 बार PK6 और 4 बार PK5 कर चुका हूं, वो भी बिना एक UC लगाए। ये तो हुई मेरी बात, मेरे दोस्तों ने तो PK7 और PK8 भी कर लिया है बिना एक UC लगाए। और हां, अगर यकीन नहीं होता कि PK8 कैसे हो गया बिना एक भी UC लगाए, इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर करते हुए मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे मेरे एक फ्रेंड ने PK8 किया है बिना एक UC लगाए हुए। अगर आपको PK8 वाली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बहुत बातें हो गई, चलो अब मैं वीडियो के टॉपिक पे आता हूं और आप सभी को पॉइंट सिस्टम बताता हूं। एक काम करता हूं, पहले आप लोग को पॉइंट सिस्टम बताता हूं, उसके बाद अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपका पॉपुलैरिटी 0 से 2000 के अंदर है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉपुलैरिटी 2000 से ज्यादा है और 4000 से कम है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉपुलैरिटी 4000 से ज्यादा है और 8000 से कम है तो आपको 14 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉपुलैरिटी 8000 से ज्यादा है एंड 15000 से कम है तो आपको 16 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉपुलैरिटी 15000 से ज्यादा है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद फिर आप 20000 करो, 30000 करो, 40000 करो, 45000 करो, जितना भी करो आपको पॉइंट नहीं बढ़ने वाला है, डायरेक्ट फिर बढ़ता है वो है 50000 पॉपुलैरिटी पर। और हां, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि 45000 पॉपुलैरिटी पर कुछ पॉइंट्स बढ़ता है, तो भाई लोग एक ही बात मैं तुम लोग से बोलना चाहूंगा कि ऐसे यूट्यूबर को देखना ही छोड़ दो जो कि बिना रिसर्च किए या बिना डाटा के स्टडी किए आप लोग को ये चीजें बता रहे हैं। सिंपल बोलूं तो ऐसे यूट्यूबर बस आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर सच में 45000 पॉपुलैरिटी पर कुछ पॉइंट्स बढ़ता है तो मुझे प्रूफ दे दो। लाखों लोग पॉपुलैरिटी बैटल खेल रहे हैं, उनमें से कुछ हजार लोग तो होंगे ही होंगे जिनका कि 45000 का बैटल लगा होगा। उसमें से किसी एक बंदे का भी स्क्रीनशॉट दिखा दो जिसमें कि बंदे का पॉपुलैरिटी 45000 या उससे ज्यादा होना चाहिए लेकिन 50000 से कम होना चाहिए और उसको जो पॉइंट्स मिले हैं वो 20 पॉइंट से ज्यादा हो। और हां, यहां पर जो मैं 20 पॉइंट्स बोल रहा हूं ये इंडिविजुअल पॉइंट का मैं बात कर रहा हूं, मतलब उस बंदे का अपना 20 पॉइंट्स होना चाहिए ना कि जीतने के बाद। और अगर तुमको ये नहीं पता है कि इंडिविजुअल पॉइंट और टोटल पॉइंट्स क्या होते हैं तो वीडियो में बने रहो, वो भी पता चल जाएगा। पॉइंट सिस्टम पर वापस आते हैं तो अगर आपका पॉपुलैरिटी 50000 से ज्यादा है तो आपको 24 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद आप 60000, 70000, 80000, 90000, 1 लाख, 1 लाख, 10000, आप जितना भी कर लो आपका पॉइंट नहीं बढ़ने वाला। अब डायरेक्टली आपका जो पॉइंट बढ़ेगा वो बढ़ेगा 1,20,000 पर, और 1,20,000 पर जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो होते हैं 28 पॉइंट्स। इसके बाद अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आपको डायरेक्ट 2,60,000 पॉपुलैरिटी करना पड़ेगा, और अगर आप 2,60,000 पॉपुलैरिटी कर लेते हो तो आपको 32 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको और पॉपुलैरिटी पॉइंट्स चाहिए तो आपको 5,60,000 पॉपुलैरिटी करना पड़ेगा, और इतना अगर आप पॉपुलैरिटी कर लेते हो तो आपको 36 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको और पॉइंट्स चाहिए तो आपको 8,50,000 पॉपुलैरिटी करना पड़ेगा, और 8,50,000 अगर आप पॉपुलैरिटी करोगे तो आपको 38 पॉइंट्स मिलेंगे। 38 पॉइंट्स के बाद 40 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको 40 पॉइंट्स चाहिए तो आपको 900K पॉपुलैरिटी करना पड़ेगा, 900K का मतलब 9 लाख पॉपुलैरिटी। और हां, कुछ लोग बोलेंगे कि 1 मिलियन पे 40 पॉइंट्स मिलते हैं, आपको जो 40 पॉइंट्स मिलते हैं वो 1 मिलियन पॉपुलैरिटी पर नहीं मिलते, आपको 9 लाख पॉपुलैरिटी पर 40 पॉइंट्स मिलते हैं। और हां, चैलेंज है कि मुझे गलत प्रूफ कर दो। और हां, अगर गलत प्रूफ कर दिए तो ये और अच्छी बात है कि ऑडियंस को और एक्यूरेट पॉइंट टेबल मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम पॉपुलैरिटी बैटल खेल रहे होंगे या इससे पहले पॉपुलैरिटी बैटल खेले होंगे लेकिन उनको उतना कुछ आइडिया नहीं है, और वो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 15,000, 20,000 या 25,000, 30,000 का पॉपुलैरिटी बैटल खेलता हूं और मुझे तो 28 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल जाते हैं, और ये बोल रहा है कि 28 पॉइंट अगर चाहिए तो तुमको 1,25,000 पॉपुलैरिटी करना पड़ेगा। जिसके भी दिमाग में ये सवाल आया है उन लोगों को मैं ये बता देता हूं कि इंडिविजुअल पॉइंट और टोटल पॉइंट में फर्क होता है। इन दोनों का फर्क समझने से पहले एक बात और समझ लो कि जो भी लोग पॉपुलैरिटी बैटल खेलते हैं उनका जो मकसद होता है वो हार जीत का नहीं होता है या उनको अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना है इसलिए वो पॉपुलैरिटी बैटल खेल रहे, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो लोग भी पॉपुलैरिटी बैटल खेलते हैं उनका मकसद होता है पॉपुलैरिटी बैटल का पॉइंट इकट्ठा करना। तुम्हारे जितने ज्यादा पॉपुलैरिटी पॉइंट्स होंगे तुम उतने ज्यादा पीके रैंकिंग पर जाओगे, और जितना ज्यादा पीके रैंक पर जाओगे उतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स तुमको मिलेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या बेसिक बातें बता रहा है। भाई ये बातें तुम्हारे लिए बेसिक हो सकता है क्योंकि तुम जान रहे हो ऑल चैट पर जाके देखो बंदों की हालात। पॉइंट सिस्टम एंड टिप्स एंड ट्रिक्स तो दूर की बात है, ऑल वाले बंदे को लाइक देना तक नहीं आता है भाई, सबको बताना पड़ता है कि लाइक कैसे देते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूं कि लाइक कैसे देते हैं। ऑल पर इतने जो नालायक लोग भरे पड़े हैं उनको कम से कम लाइक देना तो आ जाएगा। चलो टॉपिक पर आते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट एंड टोटल पॉइंट होता क्या है आखिर। इंडिविजुअल पॉइंट का मतलब
होता है आपका अपना पॉइंट। और अभी तक जो भी मैंने पॉइंट सिस्टम में पॉइंट बताया है वो आपका अपना इंडिविजुअल पॉइंट बताया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिविजुअल पॉइंट मेरा पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट आपके पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। आपका जितना ज्यादा पॉपुलैरिटी उतना ज्यादा इंडिविजुअल पॉइंट, जितना कम पॉपुलैरिटी उतना कम इंडिविजुअल पॉइंट्स। यहाँ पर इमेजिन करो कि तुमने 20,000 पॉपुलैरिटी किया है और 20,000 पॉपुलैरिटी करने पर जो तुम्हारा इंडिविजुअल पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 20। और अगर तुम इस सिचुएशन में हार जाते हो तो जो तुमको पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 10। ये जो यहाँ पर तुमको जो 10 पॉइंट मिला है ये है तुम्हारा टोटल पॉइंट्स। यहाँ पर अगर दूसरा सीन लेते हैं कि तुम्हारा पॉपुलैरिटी 20,000 है और तुम्हारे अपोनेंट का पॉपुलैरिटी 15,000 है, यहाँ पर जो तुमको टोटल पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 30। यहाँ पर तुम्हारा और तुम्हारे अपोनेंट का दोनों का इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी पॉइंट जो है वो है 20, लेकिन यहाँ पर जो तुमको टोटल पॉइंट्स मिला है वो मिला है 30। इसी को टोटल पॉपुलैरिटी पॉइंट्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी तुम लोगों को बताया हूँ वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें करता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में बस एक दो ही टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। अगर मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में देना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि पॉपुलैरिटी बैटल के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो आना चाहिए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो कुछ टिप्स देता हूँ। पहला टिप्स तो मैं यही दूंगा कि सारे बैटल को जीतने का ट्राई मत किया करो। नो डाउट भाई तुम जीत जाओगे, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाएगा जो कि हो सकता था कि आगे आने वाले 2 बैटल 3 बैटल या 4 बैटल में काम आए। इसके अलावा अगर आपका टारगेट PK5 PK6 या PK7 है तो 15,000 का बैटल लो, 15,000 से ज्यादा पॉपुलैरिटी मत करो। PK5 PK6 तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन हो सकता है PK7 करने में थोड़ा सा दिक्कत आए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, जो कि है बाइक डायमंड या रिंग का यूज करना या कार वाली पॉपुलैरिटी का यूज करना अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। ये जो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है ये पॉपुलैरिटी बढ़ाने का चीज नहीं है, ये पॉपुलैरिटी स्नाइप करने का चीज है। आपको पॉपुलैरिटी बढ़ाना है तो आप लोग लाइक से बढ़ा सकते हो, मेडल से बढ़ा सकते हो और BP सिल्वर एक्सचेंज करके भी बढ़ा सकते हो। और अगर बाइक रिंग या कार से पॉपुलैरिटी बढ़ाना ही है तो सुबह 5:30 बजने से पहले 2-4 मिनट पहले बढ़ा लेना। हाँ मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूँ, मैं पॉपुलैरिटी बढ़ाने का एक टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करता हूँ जिससे कि मैं 3 दिन में 1,00,000 पॉपुलैरिटी कर लेता हूँ, वो भी बिना BP सिल्वर बाइक खर्चा किए। इसके अलावा मेरे पास एक और ट्रिक है, अगर आप उस ट्रिक को यूज करते हो तो मात्र 800 रुपए में 60,000 से 70,000 पॉपुलैरिटी मिलेगा और ये गारंटेड है कि आपको इतना पॉपुलैरिटी मिलना ही मिलना है। चलो मैं पॉपुलैरिटी बैटल कैसे खेलते हैं इसका लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ तुमको, जिसका कि अगर तुम यूज करोगे तो हर बार अच्छे पॉइंट्स ही तुमको मिलेंगे। और वो ये है कि तुम खुद अपोनेंट का पॉपुलैरिटी बढ़ाओ। अगर अपोनेंट अपना पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ा रहा है तब, और ऐसा करने से तुमको 2-4 पॉइंट नहीं बल्कि 9 पॉइंट ज्यादा मिल सकते हैं। सोचो कि तुमने ये वाला टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किया और तुमको 10 के 10 राउंड में 9 पॉइंट ज्यादा मिले हैं तो सोचो कितना पॉइंट्स हुआ। 90 पॉइंट होता है भाई, 90 पॉइंट ज्यादा मिले हैं। लोग ये वाली मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं और सोचते हैं कि अपोनेंट को कौन पॉपुलैरिटी देगा, हम खुद अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा लेते हैं। वो अपना पॉपुलैरिटी तो बढ़ा लेते हैं लेकिन उनको पॉइंट नहीं मिलता है। तो चलो वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।